इस दिन अलग अलग मंच के माध्यम से कई प्रबुद्ध लोगों ने योग कर समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भी न्यायाधीश और कोर्ट परिसर के सदस्यों ने योग कर लोगों को भारतीय संस्कृति की इस परंपरा बरकरार रखने के लिए युवा पीढ़ियों से योग के प्रति आह्वान किया। आज पूरे विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की देन योग के इस उपलक्ष्य पर लोगों में बेहद उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। योग करें निरोग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर उम्र और वर्ग के लोग दिवस के इस समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में भी देखने को मिली। रोहिणी कोर्ट परिसर में भी भारतीय योग संस्था के सहयोग से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित योग दिवस पर न्यायाधीश और कोर्ट के सदस्यों ने योग कर लोगों के बीच एक संदेश देने का प्रयास किया। इस मौके पर उत्तर पश्चिम जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव और उत्तरी जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर न्यायाधीश ने भी कहा कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। न्यायाधीश ने कहा कि योग को हमें आम दिनचर्या में ढालते हुए प्रतिदिन योग करना चाहिए। उत्तर पश्चिम जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने कहा कि योग हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन आज की युवा पीढ़ियों को इससे जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य रहना बेहद जरूरी है और योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बतौर महिला उत्तरी जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने कहा कि योग हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। एक महिला होने के नाते सीमा मैनी ने कहा कि आमतौर पर गृहिणियाँ अपने काम में इतना व्यस्त रहती हैं कि वे अपने स्वास्थ्य को ही भूल जाती हैं, इसलिए महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर योग करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके और आज की युवा पीढ़ी को योग से जोड़ा जा सके, ताकि हमारे भारत की पुरानी और सांस्कृतिक परंपरा से भी जुड़े रहें। देखिए, ये तो हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहचान लिया, पर भारतीय योग पद्धति तो बहुत पुरानी है और भारत में लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नौजवान लोगों को और जो इससे दूर हैं उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे हैं। और हमने इस बार भी किया है, इससे पिछले बार भी किया था, और मैं सिर्फ इस बारे में एक ही बात कहता हूँ कि आपका शरीर आपके लिए माध्यम है दुनिया में ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी आप कोई काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो इसलिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और योग अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से और साइकोलॉजिकल या इमोशनल रूप से भी स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस इंटरनेशनल योगा डे पे इट इज़ रियली माय प्राउड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइज्ड सेशन ऑफ योगा टुडे। इट हैज़ योगा आज तक मैंने सुना था कि मेंटल हेल्थ को, नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ को बट मेंटल हेल्थ को भी बहुत अपग्रेड करता है, एंड इनडीड टुडे आई हैव रियली एक्सपीरियंस दैट। मेरे को जो एक्सरसाइजेज जो हम अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं कर पाते और आलस की वजह से भी नहीं कर पाते, आज हमारे दोनों इंस्ट्रक्टर्स ने हमसे वो करवाया है, जिससे वाकई में ही आज आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, नॉट जस्ट मेंटली फिजिकली बट इवन इमोशनली आई फील जस्ट कनेक्टेड टू जस्ट अबाउट एवरीबडी आउट हेयर। हमारी दो चार उन्होंने ऐसी क्रिया भी करवाई जिससे हम लोग जो सब बहुत हाहा करके हंसे हैं, एंड आई फील दैट सब लोग मुस्करा रहे हैं आज उसके बाद। देखिए, हम तो भारतीय योग संस्थान के साधक और शिक्षक और हम प्रतिदिन 365 दिन योगाभ्यास करते हैं और आज इस दिवस पर मैं सबको यही संकल्प दिलाना चाहती हूँ कि केवल 21 जून को ही योग दिवस नहीं, प्रतिदिन आपके लिए योग दिवस और आपकी दिनचर्या में ये इस तरह से शामिल हो जाए, आप योग को प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होगा। तो योग से हम शारीरिक तौर पर, मानसिक, आध्यात्मिक, हर तरह से और इमोशनली स्टेबल बनते हैं। हमारे शरीर, मन, आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है।